श्री राधे राधे टू माई ऑल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डिटर पसवी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और अभी मैं नहा के पूजा करने के लिए आई थी और सुबह सुबह सनराइज का टाइम था और इतना खूबसूरत सन लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। पानी की टंकी पे पक्षी भी बैठे थे और सूर्य देवता का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सूर्य देवता निकले और हमें इस सर्दी से निजात मिले। और देखिए इतना प्रीटी था ना, एकदम रेड कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे ना हमेशा सनराइज और सनसेट दोनों देखना बहुत ही पसंद है और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि मैं हमेशा देखूं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं भी देख पाती हूँ। और उस दिन ऐसा लगता है कि आज ना दिन मतलब कुछ अधूरा अधूरा सा है। सो मैं हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ, हमेशा ना सनराइज और सनसेट दोनों देखने की कोशिश किया कीजिए। अब वाकई में आप बहुत अच्छा फील करोगे, एक अलग सी मतलब अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है और वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी प्रसाद बना के और अभी मैं आगे स्टडी करने के लिए। और अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि अभी मैं फर्स्ट पेपर के दो ही सब्जेक्ट मैंने चूज किए हैं कि अभी मैं इन दो सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं दो और सब्जेक्ट उनका मैं सिलेबस कम्प्लीट करूँगी। सो मैंने चूज किए थे हिंदी और इंग्लिश। सो बस मैं अभी हिंदी और इंग्लिश की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है उसको भी मैं टाइम दे रही हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर में मैंने दो ही सब्जेक्ट चूज किए हैं। अभी टीजीटी वालों के पास इतना टाइम है कि वो मिनिमम 8 घंटे भी पढ़े तो वो बहुत ज़्यादा है और 8 घंटे ना नॉर्मली कोई भी पढ़ सकता है। ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, कि उस टाइम से बेहतर टाइम है कि कहीं आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने लग जाओगे एकदम, अगर एग्जाम पास में आ गया फिर आपने प्रिपरेशन शुरू की तब। और उस टाइम 12-12, 14-14 घंटे आप पढ़ भी नहीं पाओगे और टेंशन भी हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि अभी आप अपने लिए 8 घंटे का टाइम तो निकालें। अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि 8 घंटे कैसे निकालें यार टाइम, और स्पेशली हाउसवाइफ यही सोचेगी और यही कहेगी कि 8 घंटे नहीं निकाल सकते क्योंकि घर का काम भी करना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, परिवार को भी संभालना होता है। तो आप एक बात सोचिए, जिस दिन आप जॉब लग जाओगे तब फिर आप जॉब पे जाओगे कैसे, तब भी तो आपको 6-7-8 घंटे जाना होगा ना। किसी का अगर स्कूल दूर हुआ तो आपको लंबा सफर भी तय करना होगा तो टाइम तो लगेगा ही, फिर आप इतने घंटे कैसे निकालोगे। तो बस वही सोच के और उसी के हिसाब से अभी से आप वैसे ही लाइफ जीना शुरू कर दीजिए, जैसे कि जल्दी उठना और कम समय में ज़्यादा काम करना। और कुछ काम ऐसे जिन्हें स्किप भी हम कर सकते हैं, 2-3 दिनों में एक साथ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसलिए अपने लिए 8 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए और ये सोचिए कि 2024 में हमें किसी भी करके जॉब लगनी ही लगनी है। देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, आपके पास टाइम कम ही हो रहा है, तो जितना हो सके अपने लिए कम से कम 8 घंटे तो निकाले ही निकाले। और अगर आप में से किसी को टाइम टेबल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट पेपर का टाइम टेबल बना के आपको बता सकती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी देखिए मैं भी ना 8 घंटे ही पढ़ती हूँ, हालांकि मैं घर का काम भी करती हूँ, मम्मी की हेल्प भी करती हूँ और मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ, तब मुझे पता है कि हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जब तक आप खुद के लिए कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक आपके लिए कोई दूसरा कोशिश नहीं करेगा। अगर आपको आपकी लाइफ बदलनी है तो शुरुआत आपको ही करनी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।